ये मैंने आपको बता दिया सारा कि कब क्या है। अभी हम स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो हमारे घर में जो हाउस होल्ड सप्लाई है, यूं कहें इंडिया में हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या लिखी जाए, कितने वोल्ट कितने हर्ट्ज, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई, हाँ ठीक है, इन इंडिया, इंडिया में जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बोला जाएगा कि भाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट का क्या मतलब है, कौन सी वैल्यू है ये 220 वोल्ट? आरएमएस वैल्यू, वैसे तो चेंज होता रहेगा, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू है जो हमारे घर में सप्लाई आ रही है उसकी, मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स होते हैं वहां से, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होते हैं वहां से लेके यहां तक हमारे घर में ये सप्लाई आती है। अब देखो घर में अक्सर ये चीजें शायद आपने सुनी होंगी, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, क्या नाम सुने हैं आपने वायरिंग में? अर्थ वायर नहीं सुने, चलो बताता हूं आपको, भी बताता हूं। मान लो आपके घर में एक सॉकेट विद स्विच है, सॉकेट विद स्विच मतलब क्या, सॉकेट उसे बोलते हैं जो दीवार में ये तीन होल्स आपको दिखेंगे, एक ऊपर होगा एक इधर होगा, एक समझ गए ना आप, सॉकेट किसे बोलते हैं, दीवार में बोर्ड लगा हुआ है उसमें ये तीन होल्स हैं, ये तो है सॉकेट, और स्विच किसे बोलते हैं, इसके बगल में एक बटन सा होता है, हाँ भाई इसके बगल में एक बटन सा होता है इस तरह का दबाने के लिए, यूं ऑन ऑफ, तो इसको हम बोल देते हैं स्विच। एक सॉकेट है, सॉकेट वो जो तीन होल्स वाला है वो, और इधर वाला होता है स्विच। अब दो वायर आ रही होती है घर में, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, किस तरह से आती है, देखिए जो लाइव वायर है वो सबसे पहले आएगी इस स्विच में यहां पे, और फिर इस स्विच के दूसरे पार्ट से निकल के लाइव वायर इस सॉकेट में चली जाती है, दिस इज लाइव वायर। जो न्यूट्रल वायर है, जहां से भी न्यूट्रल वायर आएगी वो डायरेक्टली सॉकेट में जाती है, पीछे मैं दिखा रहा हूं और ये इसको जाके टच कर दी, समझ रहे हो, लाइव वायर एक है, ये न्यूट्रल वायर है, ये लाइव वायर है, और जो अर्थ वायर होती है, अर्थ वायर उसका भी स्विच से कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं से भी आ रही होगी अभी बताऊंगा आपको, और वो इस जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें जाके कनेक्ट हो जाती है, ये आपकी होती है अर्थ वायर। तो पहले तो ये बताओ, मैं इन वायर्स का मतलब अभी बताता हूँ, पहले आप ये बताओ कि आपको ये समझ में आ गया मैंने डायग्राम क्या दिखाया है आपको किस तरह से? Yes, sir. देखो फिर से सुनो, जो नीचे वाले जो दो होल्स होते हैं उनमें तो लाइव और न्यूट्रल वायर आती है, और जो ऊपर वाला है उसमें अर्थ वायर। अब जो स्विच किसमें कनेक्टेड होता है, लाइव वायर में कि न्यूट्रल वायर में, यहां से देख के बोलो, लाइव वायर में, स्विच जो है वो लाइव वायर में कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब देखो लाइव वायर लगभग 220 वोल्ट के आसपास रहती है, न्यूट्रल वायर लगभग 0 वोल्ट के आसपास रहती है, और अर्थ वायर एग्जैक्टली 0 वोल्ट पे रहती है। क्या ये तीन बातें समझ में आ रही है, क्या क्या है, लाइव वायर नियरली 220 वोल्ट के आसपास, न्यूट्रल वायर नियरली 0 वोल्ट के आसपास, एंड जो अर्थ वायर है वो एग्जैक्टली कितने पे रहेगी, 0 वोल्ट पे, ठीक है। ये मैंने तीनों के आपको पोटेंशियल्स बता दिए कि भाई तीनों के पोटेंशियल क्या क्या होते हैं। अच्छा इसके बाद सुनिए, अगर मैं कलर्स की बात करूं तो क्या आपको इसमें अलग अलग कलर दिख रहे हैं लाइव के लिए? वैसे यहां कौन सा दिखा रखा है मैंने, कलर पहचान में आ रहे हैं क्या? देखो मैं आप दिखाता हूं, लाइव का जो कलर होता है जनरली जो लाइव का कलर होता है वो कौन सा होता है, आप बताओ अगर दिख गया हो तो। रेड,
न्यूट्रल का कलर जनरली कौन सा होता है? ब्लैक। एंड अर्थ का कलर कौन सा होता है? ग्रीन। तो अब तो दिख रहे हैं ना कलर, तीनों पहचान में आ रहे होंगे, ठीक है? ये तीनों कलर आपको पहचान में आ गए हैं कि भी कैसे हैं कैसे नहीं। अब कोई अप्लायंस अगर कनेक्ट करना है, देखिए कोई अप्लायंस आपको कनेक्ट करना है, सपोज कीजिए एक हल्का अप्लायंस है, जैसे एक ट्यूबलाइट ऑन करनी है हमें, बस ये एक हल्की सी अप्लायंस है, तो कनेक्शन ऐसे होंगे कि ये जो प्लग होता है लगाने के लिए सॉकेट में, प्लग समझते हो, सॉकेट में लगाने के लिए जो होता है, ठीक है? तो अगर मान लो हल्का अप्लायंस है तो उसमें भाई एक दो वाला प्लग होता है और एक तीन वाला प्लग, देखे है ना दोनों घरों में? दो वाले में तो बस ये यहीं पे फिट हो जाएगा और तीन वाला पूरे में फिट होगा, देखे है ना आपने वो सब? तो ठीक है, तो सुनिए, मान लो ये दो वाला प्लग है तो इसमें ये यहां फिट कर दिया जाएगा दो वाला प्लग, इसका मतलब एक साइड लाइव वायर आई और एक साइड न्यूट्रल वायर आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा पुल्टा कर दो उससे कुछ नहीं होता, आप दो वाले प्लग को चीयू लगा लो चीयू लगा लो उससे कुछ नहीं होता, ये हल्के अप्लायंस होते हैं, बस इनसे क्या होता है इनको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, लाइव वायर नियरली 220 वोल्ट पे, न्यूट्रल वायर नियरली 0 वोल्ट पे, तो यानी कि ये अप्लायंस जो था, ये जो अप्लायंस था इसके अंदर कोई सर्किट बना हुआ था, मैंने रेजिस्टेंस दिखाया और उनको अब एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया जिससे वो ग्लो करने लग जाएगी, अगर ट्यूबलाइट है पंखा है तो चलने लग जाएगा। अब बात आती है कि अर्थ वायर का क्या काम है, अर्थ वायर सर्किट में इस्तेमाल नहीं होती है, जो मेटल की बॉडी होती है, इसकी जो मेटल की बॉडी होती है, अगर ये तीन वाला प्लग है तो जो मेटल की बॉडी है वो वायर यहां जाके टच होती है, ये कनेक्शन होते हैं, अगर तीन वाला प्लग है तो बाकी दो लाइव और न्यूट्रल के साथ जाके टच होंगे, वो तो सर्किट में शामिल है जो सप्लायंस का सर्किट है, तीसरा उस अप्लायंस की मेटालिक बॉडी से लग के और अर्थ वायर में जा रहा होता है और वो वहां पे मिलता है। अब देखो हमारे घर में पावर हाउस से सप्लाई आ रही है ये लाइव और न्यूट्रल वायर वाली, ये सप्लाई आई, लेकिन जो अर्थ वायर है वो घर के ही अंदर एक थोड़ा गड्ढा सा खोदा जाता है, उसके अंदर एक मेटल की प्लेट डाली जाती है, थोड़ा वहां पे नमी बनानी पड़ती है कच्चा कोयला वगैरह डाल के, और उससे थिक मेटल की वायर्स आती है जो ऊपर निकली होती है, उससे जो थिक मेटल की वायर्स आती हैं वो ये होती हैं जिसको हम पीछे अर्थ वायर बोलते हैं, जो पीछे जुड़ी होती है, यानी कि अगर आप ये तीसरा कनेक्शन भी करते हैं, मतलब तीन वाला प्लग है, तो जो मेटल की बॉडी है अप्लायंस की वो सीधी जाके किससे कनेक्ट होगी बताओ? अगर आपने तीन वाला प्लग लिया, थ्री पिन प्लग, तो जो तीसरी पिन है ऊपर वाली वो कहां जाके टच हो जाएगी अगर घर में अर्थिंग कर रखी है तो? मेटल प्लेट, यानी कि तीसरे पिन का ये काम है कि जो मेटालिक बॉडी ऑफ अप्लायंस है, सर्किट में कोई काम नहीं है इसका, सर्किट में कोई काम नहीं है, जो मेटालिक बॉडी ऑफ अप्लायंस है उसको कनेक्ट कर देना किसके साथ, अर्थ के साथ, ताकि कई बार आपने देखा होगा यार कूलर है मान लो मेटल की बॉडी है, डर नहीं लगता कूलर में कि कहीं मेटल की बॉडी के टच कर दें और करंट मार दें, झटका लग जाता है ना इस तरह से, इसका मतलब यह है कि घर में अर्थिंग नहीं करवा रखी है, अगर अर्थिंग करवा रखी हो तो इस तरह के मेटालिक शॉक से हम बच जाएंगे। क्या सर कई बार गयो रेलिंग में भी आता है करंट? अरे नहीं सुनो, आप ध्यान से सुनो, अगर आपके घर में अर्थिंग करवा रखी है और जिस अप्लायंस को आप ऑन कर रहे हो उसकी मेटालिक बॉडी अर्थ से आपने टच कर दी है, तो इन केस अगर लाइव वायर भी उसको टच कर जाए तो आप 220 वोल्ट के पोटेंशियल पे नहीं आएंगे, आप 0 वोल्ट पे रहेंगे क्योंकि वो अर्थ से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो झटका नहीं लगेगा। और कई बार क्या होता है घर में वो थ्री पिन प्लग में वो होल तो दिख रहा है, हम खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई हमने तो थ्री पिन वाला लगा रखा है, पर वो होल पता लगे यहीं खत्म हो रहा है दीवार में, कहीं घर में अर्थिंग का कनेक्शन ही प्रॉपर नहीं बना रखा है, तो फिर उसका फायदा थोड़ी होगा कि खाली थ्री पिन प्लग लाने से ही बस बच गए, तब होगा जब प्रॉपर अर्थिंग होगी घर में और तब उसका बेनिफिट होगा और वो कनेक्ट हो उससे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब बताओ सर्किट चलाने में किन दो वायर्स का रोल है सर्किट को ऑन करने में? लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। स्विच किस में लगा होता है, लाइव वायर में कि न्यूट्रल वायर में? लाइव वायर में। और अर्थ वायर अगर ना लगी हो तो क्या वो अप्लायंस काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा बिल्कुल करेगा,
बिल्कुल करेगा। और हैवी अप्लायंसेज में इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हैवी अप्लायंसेज में हाई करंट आता है। अगर मेटल की बॉडी से हमारी बॉडी में हाई करंट आ गया तो खत्म भी हो सकते हैं, ये काम हो जाएगा। अच्छा एक बड़ा ध्यान क्या कौन रखा से जाता है, अप्लायंसेस में? क्या हीटर कौन से अप्लायंसेस हीटर में? हीटर इस तरह की चीजें, समझ गए हो ना, ये जो हैवी अप्लायंस होते हैं भाई, पंखे ट्यूबलाइट ये सब हल्के अप्लायंस है, लाइट अप्लायंस है। हीटर हो गए गीजर हो गए, ये आपके हैवी अप्लायंस है। ठीक है अब यस देखो, सर, सुनो बात सुनो, अगर गलती से मान लो ये कनेक्शन है और उल्टा पुल्टा कनेक्ट कर दें आप, और अर्थ वायर ये जो ग्रीन वायर आ रही है और ये लाइव के साथ टच हो जाए, गलती से ये आप स्पिन में डाल दें, लाइव के साथ टच हो जाए, तो आप बताओ क्या ये अर्थ के साथ टच हो पाइए? नहीं। लाइव वायर कितने वोल्ट पे है लगभग, 220 वोल्ट यानी कि जो मेटल की बॉडी है वो आ गई 220 वोल्ट पे। अब अगर आपने इसको हाथ विड़ा दिया, बाई चांस जैसे आप यहां खड़े हैं ठीक है, और आपने उल्टा कनेक्शन कर दिया कि ये अर्थ वाली वायर इसमें डाल दी, और फिर आप इसके हाथ कर दें, तो भाई आपके तो होश उड़ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। ठीक है समझ गए हो ना, क्या होना है भगवान जाने क्या होगा, बहुत तेज करंट लगेगा। इस चीज से बचाने के लिए हैवी अप्लायंसेज में कि ऐसा कुछ ना हो जाए, हमेशा जो तीसरी पिन होती है प्लग की, जो तीसरी ऊपर वाली पिन होती है वो थोड़ी मोटी रखी जाती है, ताकि वो नीचे फिट ना हो, समझ गए हो? सर। ठीक है, वो थोड़ी अलग बनाई जाती है, वो थोड़ी मोटी रखी जाती है और थोड़ी लंबी रखी जाती है नीचे वाले दो के मुकाबले, ताकि पहले वो टच हो जाए कि अगर कोई फॉल्ट हो या कोई चार्ज जमा पड़ा हो मेटल की बॉडी पे, तो वो धरती में निकल ले और उसके बाद हमारा सर्किट स्टार्ट हो। तो ये बताओ आज कुछ अपने घर की चीजें समझ में आ रही कि किस तरह से काम करती हैं, क्या है क्या नहीं? ठीक है, तो ये तो थी आपकी डोमेस्टिक वायरिंग। अब इसमें अच्छा अर्थिंग का सिंबल क्या होता है, ये हमने पहले बताया है ना आपको या नहीं? ये दिस इज द सिंबल फॉर अर्थिंग, ये अर्थिंग का सिंबल है कि यहां पे ये हो रहा है, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, ये भी अर्थिंग का सिंबल है, ये ज्यादा कॉमन है। अच्छा अब घर में क्या होता है कि अलग अलग तरह की वायरिंग होती है, उनकी एक लिमिट होती है कि भाई ये वायर तो 5 एम्पियर तक का करंट झेल सकती है और ये वायर 15 एम्पियर तक का करंट झेल सकती है। तो बताओ लाइट अप्लायंसेज जो होंगे, जैसे ट्यूबलाइट बल्ब पंखा, ये 5 एम्पियर वाली वायरिंग लगानी पड़ेगी कि 15 एम्पियर वाली? 5 एम्पीयर वाली 5 एम्पीयर वाले। और जो हैवी अप्लायंस होंगे जैसे हीटर, उनमें कौन सी वायरिंग लगानी पड़ेगी? 15 एम्पीयर वाली। 15 एम्पीयर लिमिट वाली, एक में 5 एम्पीयर एक में 15 एम्पीयर। ये बताओ करंट ज्यादा किस में फ्लो करता है, 5 एम्पीयर वाले में 15 एम्पीयर, ना सॉरी हीटर में या बल्ब में? हीटर में। अब बताओ रेजिस्टेंस ज्यादा किसकी होती है, बल्ब की या हीटर की? ना हीटर अब दोनों विरोधाभासी बातें क्यों कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भी उसकी ज्यादा करंट भी उसमें ज्यादा, ऐसा कैसे संभव है? ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो एक 2000 वॉट का हीटर अगर है, 2000 वॉट का हीटर अगर है तो उसकी रेजिस्टेंस लगभग 25 ओम के आसपास होती है, लेकिन एक 100 वॉट का बल्ब भी है ना, उसकी रेजिस्टेंस 500 ओम के आसपास चली जाती है। जिसकी जितनी कम वोल्टेज होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है। क्या हमने कभी ये पढ़ा है फॉर्मूला करंट के टाइम, R इज इक्वल टू Vs स्क्वायर अपॉन W, करंट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम, पावर रेटिंग और इनमें ये वोल्टेज है वो स्पेसिफाइड वोल्टेज है, कुछ याद नहीं आ रहा क्या इस तरह का? अरे ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, बल्ब वगैरह में पढ़ाया था उस समय। बोलो बोलो कुछ तो जवाब दो। अच्छा ये एक बल्ब है, हम बोलते थे कि इसकी रेटिंग है वी एस डब्ल्यू, मैक्सिमम वोल्टेज जो आ सकती है वी एस है, मैक्सिमम पावर जो झेल सकता है वोल्टेज डब्ल्यू। तो मैंने कहा था कि यहां से इसकी रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो आर बराबर वी एस स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। क्या कभी भी ऐसा नहीं हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पे? चलो कोई नहीं, अभी अभी सुन लो। तो ऐसे ये वोल्टेज से ये निकलती है रेजिस्टेंस, जिसकी वोल्टेज ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कि कम होगी? बोलो यहां से कम होगी। तो एक 2000 वॉट का हीटर है और एक 100 वॉट का बल्ब है, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी?
बल्ब की, समझ गए हो? जो कम वोल्टेज की चीज होती है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा। क्यों करंट कम फ्लो करेगा, इधर ध्यान देना, इस साइड देखना, मैं घर का कनेक्शन आपको दिखाता हूं। बाहर से सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट, बाहर से सप्लाई आई 220 वोल्ट, ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, सभी अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं कि सीरीज में? पैरेलल, और उनके स्विच, उनके स्विच उनके साथ सीरीज में लगे होते हैं। मान लो ये बल्ब का रेजिस्टेंस लगा दिया, पहली अप्लायंस, दूसरा अप्लायंस ये हीटर लगा दिया, ये बल्ब है और ये हीटर है, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। आप बताओ इसके पास भी 220 वोल्ट आई, इसके पास भी 220 वोल्ट आई, बल्ब की वोल्टेज कम होती है, हीटर की वोल्टेज ज्यादा होती है, तो बल्ब की वोल्टेज कम है तो बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है, बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है, हीटर का कम है, दोनों के पास सप्लाई 220 वोल्ट आई, तो करंट किस में ज्यादा फ्लो करेगा और किस में कम फ्लो करेगा? हाँ, क्योंकि आई होता है वी बाई आर, 220 बाई आर, आर जिसका कम होगा, आर जिसका कम होगा करंट उसमें ज्यादा होगा। अब फिर से देख लो, W ज्यादा तो R कम, W मतलब हीटर का ज्यादा है तो R कम, और R कम तो करंट ज्यादा, यानी कि हीटर में करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो दो तरह की वायरिंग होती है, एक की लिमिट 5 एम्पियर तक, एक की 15 एम्पियर तक। तो बताएं हीटर के लिए कौन सी वायरिंग यूज की जाएगी? 15 एम्पियर। और जो बल्ब वाले बोर्ड होंगे, बल्ब वाले जो बोर्ड होंगे उनमें कौन सी वायरिंग? 5 एम्पियर। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई समझ में आने लग रही है ना, किस तरह से हम बना रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं। ठीक है, इसके बाद देखें, आगे सुने, अब मैं इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स की बात करता हूं कि घरों में जो दो तरह के फॉल्ट हो जाते हैं क्या क्या हो जाते हैं उनके बारे में हम चलते हैं। जिसकी वजह से इवन अप्लायंस में आग भी लग सकती है, इस तरह के दो फॉल्ट्स होते हैं जिनसे करंट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है भाई। एक को बोलते हैं ओवरलोडिंग, एक फॉल्ट को नाम दिया जाता है ओवरलोडिंग, एंड दूसरे फॉल्ट को नाम दिया जाता है शॉर्ट सर्किटिंग। एक फॉल्ट है ओवरलोडिंग एंड दूसरा फॉल्ट है शॉर्ट सर्किटिंग, ये होते हैं। पहली बात इनका मतलब सुने, ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? ओवरलोड कर देना, एक साथ आपने घर की बहुत सारी चीजें ऑन कर दी, किसी रूम में हीटर चल रहा है, किसी रूम में पंखा चल रहा है, कहीं फ्रिज चल रहा है, मतलब एक ही स्विच बोर्ड में आपने बहुत सी चीजें ऑन कर दी, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस वगैरह, कई हैवी अप्लायंसेस चला दिए, और जो करंट है वो बोर्ड की लिमिट से ज्यादा हो गया, कोई भी लिमिट होगी उस बोर्ड की, मतलब 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, कुछ भी लिमिट होगी, ये कोई फिक्स नहीं होता क्या है, वो तो आपके घर में क्या बना रखा उस पर डिपेंड करता है। तो देखो ओवरलोडिंग क्या मतलब है, अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं एक साथ कई चीजें ऑन कर दूं, किसी रूम में बल्ब ऑन है और मैं दूसरे रूम में हीटर भी ऑन कर दिया, किसी रूम में प्रेस ऑन कर दिया आयरन, तो बल्ब डिम हो जाता है कि तेज हो जाता है? डिम, यानी कि सर्किट में करंट बढ़ा है कि कम हुआ है? कम हुआ ना यार, ये गलत बोल रहे हो, सर्किट में करंट बढ़ा है। अब समझो आप इस चीज को, समझना ध्यान से, ये पहला अप्लायंस है, ये इसकी रेजिस्टेंस है आर वन, ये दूसरा अप्लायंस है, ये इसकी रेजिस्टेंस है आर टू, और ये मैंने तीसरा अप्लायंस लिया और इसकी रेजिस्टेंस है आर थ्री, और ये बाहर से सप्लाई है, मैं उसे एक बार एक बैटरी की तरह दिखा देता हूं ये समझाने के लिए, सप्लाई है जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ तो होती है सप्लाई की आर। शुरू में जब केवल ये कनेक्टेड था, तो वो दोनों ऑफ हैं, तो बताओ कितना करंट फ्लो करेगा? अभी जो आई वन है दैट विल बी इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर वन, आता है नहीं आपको? हाँ भाई, ये लिखना आता है कि नहीं, कैसे लिखा हमने बताओ, क्लियर है कि नहीं ये चीज? कैसे कैसे लिखते हैं? एक सर्किट में दो ही तो रेजिस्टेंस है, एक स्मॉल आर इसका इंटरनल सप्लाई का
और एक कैपिटल आर आपके लोड का, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का कितना हो गया, आर वन प्लस आर, और ईएमएफ है ई, तो आई बराबर वी बाई आर से सीधा हमने लिखा। क्या अब आ रहा है समझ में, क्या किया? ठीक है, वोल्टेज क्या मिल रही है फिलहाल, ये सप्लाई है, सोर्स है, तो वोल्टेज मिल रही है ई माइनस आई वन आर, ये वोल्टेज अभी मिल रही है आगे। आया समझ में यहां तक? ठीक है, पता है नहीं हमें, अगर ये लोड हो तो ई प्लस आई आर होता और सोर्स है तो ई माइनस आई आर, करंट के समय पढ़ाई गई है बातें। ठीक है, अब सुनो, आपने एक और चीज ऑन कर दी, एक और चीज ऑन कर दी, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया कि कम हो गया बताओ, दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? अगर आपने एक और चीज ऑन कर दी, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा है कि कम हुआ है? जवाब दो यार, इतना ही टाइम है। कम होगा, कम होगा, क्योंकि ये सीरीज में नहीं, इसके साथ किसमें आए, पैरेलल में, जब कोई चीज आप कनेक्ट करते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, आर डिक्रीज कर गया, आर अगर डिक्रीज कर गया तो करंट बढ़ेगा कि कम होगा, आप बताओ? बढ़ेगा। अब जो नया करंट होगा, नया करंट आई, दिस विल बी इक्वल टू ई अपॉन आर की जगह आ जाएगा इन दोनों का पैरेलल, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, अगर मैं छोटा लिख रहा हूं कहीं ना लिखे मैं बोल भी रहा हूं, और प्लस स्मॉल आर। अब बताओ करंट बढ़ा कि कम हुआ पहले से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम हो गई है, ये रेजिस्टेंस छोटी हो गई, नीचे डिनोमिनेटर कम हो गया, तो आई बढ़ गया, आई बढ़ गया, यानी कि जब भी एक साथ चीजें आप और ऑन कर देंगे तो करंट बढ़ जाएगा सर्किट में, तभी तो आग लगने की दिक्कत आ जाती है यार, एकदम से ओवरलोडिंग हो गई है सब। लेकिन फिर बल्ब डिम क्यों हो जाते हैं, ये बल्ब पहले थोड़ा हाई ग्लो कर रहा था, करंट बढ़ने के बाद भी बल्ब डिम क्यों हो गया, उसका कारण इधर से सुनो, पहले सप्लाई वोल्टेज आ रही थी ई माइनस आई आर 220 वोल्ट, ई माइनस आई वन आर, अब मिलेगी ई माइनस आई आर, आई बड़ा है कि आई वन, आई बड़ा है कि आई वन, आई, तो ई माइनस आई आर छोटा हो जाएगा क्योंकि आई बढ़ गया, पहले 220 वोल्ट आ रही थी, अब हो सकता है 215 वोल्ट ही आ रही हो सबके पास, समझ गए हो ना? ठीक है, तो पहले बल्ब को पूरी 220 वोल्ट मिल रही थी मान लो, तो अब हो सकता है 215 वोल्ट मिल रही हो, तो बल्ब इसलिए डिम हो जाता है जबकि करंट बढ़ गया है सर्किट में, बावजूद इसके बल्ब या अप्लायंस डिम हो जाते हैं। क्या अभी समझ में आया कि नहीं आया ये पार्ट? वैसे मैंने ये करंट के टाइम भी बताया था, करंट वाला चैप्टर जब पढ़ाया था उस समय भी शायद ये बातें बताई होंगी। इधर सुने, शुरू में आपने केवल एक अप्लायंस ऑन कर रखा है, केवल एक अप्लायंस, तो जो करंट चलेगा वो चलेगा ई अपॉन आर वन प्लस आर, और यहां से जो सप्लाई मिलेगी वो मिलेगी प्लस माइनस ई माइनस आई आर, और मान लो ये 220 वोल्ट है, तो इस बल्ब को 220 वोल्ट पूरी मिल रही है। आपने एक और अप्लायंस ऑन कर दिया तो दोनों पैरेलल में हो गए, पैरेलल में होने से आर वन की जगह, आर वन की जगह आ जाएगा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, और ये कम होगी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम होगी तो डिनोमिनेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया तो करंट बढ़ गया, आई वन बढ़ गया, सर्किट में करंट बढ़ गया, तो अब जो सप्लाई वोल्टेज मिलेगी वो ई माइनस आई वन आर मिलेगी। I1 बढ़ गया तो E माइनस आई वन आर कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम हो गया, हो सकता है 210 वोल्ट ही होगी हो, इसीलिए अप्लायंस थोड़े डिम हो जाते हैं, बल्ब थोड़े डिम हो जाते हैं। आया यहां तक समझ में? ठीक है, अब फॉल्ट कहां होता है? फॉल्ट यहां होता है कि करंट बढ़ गया सर्किट में, करंट बढ़ गया सर्किट में, हो सकता है सर्किट की वायरिंग की लिमिट को क्रॉस कर जाए, करंट बढ़ के 10-15 एम्पियर जो भी लिमिट थी उसको क्रॉस कर गया, तो वहां पे आग लग जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगा, इस फॉल्ट को बोलते हैं ओवरलोडिंग। क्या ओवरलोडिंग का क्या मतलब है, समझ में आ गया? ओवर हीटिंग होने से वो आग लग सकती है, और इससे बचने का एक आसान सा तरीका है, एक ही बोर्ड में एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजें ऑन मत कीजिए, तो ओवरलोडिंग से आप बच सकते हैं, ये तो आपके हाथ में। ठीक है, और दूसरा फॉल्ट शॉर्ट सर्किटिंग, ये तो यार शायद करंट के टाइम पढ़ाया होगा कि नहीं? यस सर, पढ़ा दिया ना, बताओ एक मिनट क्लियर कीजिए, शॉर्ट सर्किटिंग तो पढ़ाया है करंट के टाइम, शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होगा कि जैसे फिर से वही बात है, ये ई कोमा आर और यहां पे ई कोमा आर के साथ आपने कोई बल्ब ऑन किया हुआ था, ये उसकी रेजिस्टेंस थी, स्विच ऑन है, बाय चांस अगर बल्ब के दोनों टर्मिनल्स आपस में टच कर जाएं, बाय चांस अगर बल्ब के दोनों टर्मिनल्स आपस में किसी फॉल्ट के कारण कोई वायर लूज होकर दूसरे के भिड़गी इस तरह से,
तो अब देखो क्या होगा, टच होने से पहले करंट आ रहा था ई अपॉन आर प्लस आर, टच होने से पहले करंट ये था, है ना, ये आर है, ये स्मॉल आर है, समझ में आ रहा है, टच होने से पहले क्या करंट था, लेकिन टच होते ही ये रेजिस्टेंस खत्म, क्योंकि अब जो करंट आएगा उसके पास दो रास्ते होंगे पैरेलल में, और हमने पढ़ा है कि अगर पैरेलल में एक भी पाथ ऐसा हो जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो सारा करंट वहां से निकल लेता है, तो ये सारा करंट इधर से निकल लेगा आई डैश, और आर का कोई यूज ही नहीं बचा, तो अब नया करंट आई डैश कितना होगा, बोले बोलिए भैया आई डैश कितना होगा, ई अपॉन आर। देखो ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, ये रेजिस्टेंस बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया तो करंट बहुत ही, रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया तो करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और उससे ओवरहीटिंग हो जाएगी और उससे आग लग जाएगी। ये दो तरह के फॉल्ट होते हैं जो अक्सर हो जाते हैं, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। क्या आपको दोनों फॉल्ट समझ में आ गए? क्या हुआ, क्यों रुकूं, क्या समझ में आ गए हैं कि नहीं है, ये बताओ। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग हमने करंट के चैप्टर में भी पढ़ लिया था, ये अभी बताया होगा शायद। अब देखो, या हो सकता है वो बता दिया हो, इनमें से कौन सा एक्सीडेंटल फॉल्ट है जो अपने आप होगा और कौन सा आपकी लापरवाही से होगा? शॉर्ट सर्किटिंग अपने आप हो जाता है, स्विच बोर्ड के अंदर ही कोई पेच वगैरह लूज हो गया, स्क्रू लूज हो गया, वो गिर गया और वो लाइव और न्यूट्रल को टच करके बैठा है तो वो सारा कबाड़ा कर देगा वहां पे। और ओवरलोडिंग में हमें ध्यान रखना होता है, बच्चे क्या करते हैं, घर में भी इस कमरे का भी ऑन, उस कमरे सब कुछ ही एक साथ ऑन करके बैठ जाते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है इनसे बचने के सेफ्टी डिवाइसेज क्या है, इनसे बचने के सेफ्टी डिवाइसेज क्या है? दो होते हैं जिनमें एक मैं आपको पढ़ा चुका हूं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। बताओ पहली सेफ्टी डिवाइस क्या थी जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हमने पढ़ी थी? अर्थिंग नहीं, सेफ्टी डिवाइस की मैं बात कर रहा हूं, अर्थिंग तो एक झटके वगैरह लगने से बचने का तरीका है, सेफ्टी डिवाइस की वो एकदम से सर्किट को फ्यूज, हाँ एमसीबी पे अभी आते हैं, फ्यूज हम पढ़ चुके हैं, बताओ। अरे फ्यूज पढ़ लिया है कि नहीं? और मैंने यार आपको याद हो एक दिन एक फ्यूज का लेक्चर भेजा था, मैंने कहा था ये बाद में देख लेना, याद है फ्यूज वाला लेक्चर भेजा था आपके लिए, आपने कहा था ये क्या है, तो मैंने कहा था चाहे बाद में देख लेना, ये उसके साथ लिख लेना अपना, तो आप चाहेंगे तो मैं आज रीसेंड कर दूंगा उस लेक्चर को यहाँ पे इसके साथ ही, कि भाई फ्यूज कैसे काम करता है। ठीक है, आप रिवाइज करना चाहें वहां से कर लेना, क्लियर है ना, सेफ्टी डिवाइसेज में फ्यूज। आज वो 40 मिनट का है जितनी देर का लेक्चर था, 12th के लिए लिया था, बट आपका सेम है वो, तो फ्यूज वाला वो लेक्चर आज अटेंड करें, उसमें से एटलीस्ट रिजल्ट्स याद कर लेना, जिसकी डिटेल में ना भी जा रहे हो तो क्या रिजल्ट्स है। दूसरा जिसको हम बोलते हैं सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेक करने वाली, एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो छोटा होता है साइज में इसलिए उसे एमसीबी बोल देते हैं। बात यही है, सर्किट ब्रेकर कैसे ब्रेक करता है, ये फ्यूज तो बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, सर्किट ब्रेकर बेस्ड होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सर्किट ब्रेकर बेस्ड होता है ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कैसे, सुनिए, एक सोलेनोइडल अरेंजमेंट ली जाती है, जैसे मान लो ये लाइव वायर आ रही है, मैं कहूं कि ये यहां से आई लाइव वायर और ये लाइव वायर आगे जानी थी, ठीक है, अभी हम इसमें फ्यूज यूज करेंगे बीच में, ये लाइव वायर थी और ये लाइव वायर आगे जानी थी, और बीच में मान लो कोई स्विच है, बीच में कोई भी एक स्विच है यहां पे, जो इस तरह से कनेक्ट होगा कि नहीं होगा वो ही हमें देखना है। ये लाइव वायर आगे जा रही है यहां पे, और नीचे लाइव वायर का ये दूसरा टर्मिनल है, यहां से स्टार्ट होगी, आगे कोई अप्लायंस है, आगे कोई अप्लायंस है जैसे कि बल्ब वगैरह है या कुछ भी है, उसका ये रेजिस्टेंस है, ये आपका अप्लायंस है, उस अप्लायंस के एक साइड तो आएगी लाइव वायर, दूसरी साइड कौन सी वायर जो जरूरी है? न्यूट्रल वायर, ठीक है ना, दूसरी साइड अप्लायंस की आ रही होगी न्यूट्रल वायर, जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा थी, ये न्यूट्रल वायर आई, ये लाइव वायर आई, और ये वो एमसीबी का स्विच है कि कैसे वो गिरेगा। कई बार देखा आपने घर में कहते हैं कि
आजकल फ्यूज नहीं एमसीबी ज्यादा यूज होते हैं, कहते हैं कि एमसीबी डाउन हो गई है उसे अप करके आओ, देखा है कि नहीं उसमें चेक करते हैं बोर्ड में, पता है सभी को ये? ठीक है, तो वो डाउन होने का वो ट्रिप होने का क्या मतलब है उसका तरीका सुनो। ये यहां पे एमसीबी के अंदर एक सोलेनोइड होता है, इस तरह का सोलेनोइडल अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और ये वायर होती है, हाँ जी बोलिए, ये इस तरह से ये सोलेनोइड बीच में डाल दिया जाता है लाइव वायर के साथ, और उस सोलेनोइड में एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है जो सेमी इंसर्टेड होती है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है जो आधी बाहर होगी। ये एमसीबी के अंदर क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है वो बता रहा हूं, उसका प्रिंसिपल क्या है। ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है उसके अंदर। अब देखो कभी कोई फॉल्ट हो गया, बाय चांस कभी कोई फॉल्ट हो गया, फॉल्ट कैसे होगा बताओ, इसमें शॉर्ट सर्किटिंग कैसे होगी इसमें भाई, ये दोनों बाय चांस अगर टच कर जाए, ये हिस्सा इसके टच कर जाए, समझ गए हो, जैसे कोई स्क्रू लूज होके यूं सेट हो गया, दोनों को टच कर गया, तो ये होगी शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग होते ही करंट बढ़ेगा कि कम होगा बताओ, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ते ही सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0ni, तो करंट बढ़ते ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते ही आयरन कोर को अंदर पुल कर लेता है, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाता है, तो जैसे ही करंट बढ़ा अंदर फील्ड बढ़ा, अंदर फील्ड बढ़ा तो आयरन उस तरफ अट्रैक्ट होगा और ये जाके इसके टक्कर मार देता है, ये जैसे इसके टक्कर मारेगा ये जो स्विच है ये ऑन हो जाएगा, ना सॉरी ऑफ हो जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा ये। अब ये बताओ खुलते ही सर्किट ब्रेक हो गया कि नहीं? यस सर। तो इसलिए इसे कहते हैं सर्किट ब्रेकर, ये आपका है सर्किट ब्रेकर। ये यहां पे नहीं, मैं इसको थोड़ा सा रॉन्ग कनेक्शन है, ये देखो यूं जुड़ेगा और अब ये आगे ऐसे जाएगा, समझ गए, समझ गए क्या हुआ है, यहां पे आएगा तो ये हट जाएगा यहां से और ये यहीं पे बैठा रहेगा यहां पे, तो ये आपका सर्किट ब्रेक हो गया। जब आप उस एमसीबी को दोबारा उठा के आते हो तो आप क्या करते हो, क्या करते हो इसमें बताओ, क्या होता है? हाँ, उसको पीछे कर देते हो और ये इसके जाके ट्रिप, तो मैनुअली ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। कई बार क्या होता है दोबारा ट्रिप कर जाती है दोबारा से वो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अभी भी कोई फॉल्ट बचा हुआ है। तो आज बताओ क्या ये एमसीबी का काम आ गया समझ में, कैसे काम करती है एमसीबी? ठीक है, तो मैंने आपको पूरा डोमेस्टिक सर्किट आज पढ़ा दिया है जितना आपको पढ़ना चाहिए था वो, और अब कितना टाइम बचा है क्लास का, 37 2-3 मिनट बचे हैं, अब सुनिए 2-3 मिनट बचे हैं, सुनो एक बार, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा क्लियर हुआ सभी को, एक थ्योरेटिकल सा टॉपिक था, ठीक है, फ्यूज वाला लेक्चर मैं भेज दूंगा, उसके रिजल्ट्स याद कर लेना क्योंकि उसकी डिटेल्स तो 12th में आती रहेंगी, कैसी उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए मटेरियल की, या फिर एक सेफ लिमिट होती है वो कैसे फ्यूज के रेडियस पे डिपेंड करता है, फ्यूज वायर जितनी मोटी होगी उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, पतली होगी कम होगी, उसकी लेंथ से इंडिपेंडेंट है, इस तरह की चीजें हैं। तो जो 2-3 रिजल्ट्स हैं उनके प्रूफ पे जाने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज उनमें हीट एंड थर्मो के कुछ एमसी डेल्टा टी और इस तरह के फॉर्मूले होते हैं, जो हम ना भी पढ़े तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी बताओ क्या होगा, कल मैंने आपको बताया भी था वैसे तो, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलो भाई, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, लो लॉस ऑफ एनर्जी। हाँ, वो जो ट्रांसमिशन किया जाता है, जो ट्रांसमिशन किया जाता है एक से दूसरी जगह, देखो मैं आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 237, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है 10th क्लास पेज नंबर 237 एक बार निकाल सकते हो क्या, पेज ये 237 कोई बात नहीं अभी बता दूंगा, सुनो पेज नंबर 237 सुने, इसमें क्वेश्चंस हैं कहीं, एक बार बुक निकालो ना आप लोग, जल्दी सुनो, इधर देखो 237 पे क्वेश्चंस हैं, निकाल ली सर, 237 पेज पे क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चंस उसके क्वेश्चंस के ऊपर आखिरी लाइन पढ़ो, एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, मिल गया, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो,
An important advantage of AC over DC is that electric power can be transmitted over long distances without much loss of energy. ये underline कर लीजिए line. AC का DC पे ये benefit है कि बहुत ज्यादा ज्यादा दूर तक transformer की मदद से आप आसानी से कम loss के साथ energy transmit कर सकते हैं. आ गया समझ में क्या advantage है इसका? ठीक है. अब आखिरी बात, ओहो लास्ट मिनट चल रही भाई, आपका जनरेटर का जो लास्ट पॉइंट है मैं अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा. ठीक है, डिस्कशन क्लास में. हाँ वही तो, अब टाइम पूरा हो रहा है, टाइम ही नहीं बचा अब इस मीटिंग में. ये अभी फिनिश हो जानी है मीटिंग, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये क्लियर करूंगा. जो डिस्कशन क्लास होगी उसमें स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा. ठीक है, उसका बेनिफिट इतना सा होता है कि जो स्लिप रिंग है, खैर चलिए अब तो ये ऑफ ही होगी ये क्लास, तो हम अगली क्लास में ही ये जिक्र करते हैं. थैंक यू.